ट्रांसजेनिक प्लांट्स में डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, जब डेवलपमेंट करते हैं हम ट्रांसजेनिक प्लांट का, तो जो प्रोसेस होता है देयर आर फाइव स्टेप्स आर इन्वॉल्व लाइक दैट: न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन, जीन क्लोनिंग, जीन डिजाइन एंड पैकेजिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, बैक क्रॉस ब्रीडिंग. इन सभी स्टेप्स के बाद ट्रांसजेनिक क्रॉप का डेवलपमेंट होता है. उसके बाद देन उसके यूजेस क्या क्या है, एप्लीकेशंस क्या क्या है. एप्लीकेशंस में जो एप्लीकेशन है ट्रांसजेनिक प्लांट की, देयर आर सिक्स एप्लीकेशंस: रेजिस्टेंस टू बायोटिक स्ट्रेस, रेजिस्टेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस, इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी. ट्रांसजेनिक प्लांट विद इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल कमर्शियल ट्रांसजेनिक क्रॉप प्लांट. ट्रांसजेनिक प्लांट इज बायोरिएक्टर. आई हैव टू डिस्कस विद यू रेजिस्टेंस टू बायोटिक स्ट्रेस. आफ्टर दैट टू बीटा टॉक्सिन एज बायोटिक पेस्टिसाइड. जो बीटा टॉक्सिन है, बीटी टॉक्सिन है, वो एज अ बायो पेस्टिसाइड यूज होता है. प्रिपरेशन ऑफ बीटी स्पोर और आइसोलेटेड क्रिस्टल हैव बीन यूज्ड एज ऑर्गेनिक बायो पेस्टिसाइड अबाउट 50 ईयर. लगभग 50 साल से जो बायोटिक बीटी स्पोर प्रिपेयर किया जा रहा है, आइसोलेट किया जा रहा है क्रिस्टल की फॉर्म में, एज आ ऑर्गेनिक बायो पेस्टिसाइड यूज हो रहा है. दिस अप्रोच हैज नॉट मेट विद मच सक्सेस फॉर द फॉलोइंग रीजन. लेकिन ये जो अप्रोचेज है, कुछ रीजन्स की वजह से ये सक्सेस नहीं हो पा रही है, लाइक दैट लो परसिस्टेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ टॉक्सिन और द सरफेस ऑफ प्लांट. जो स्टेबिलिटी होती है बीटी स्पोर के क्रिस्टल की, वो लो होती है सरफेस ऑफ द प्लांट. प्लांट के सरफेस पर जो स्टेबिलिटी होती है, सनलाइट डिग्रेड टॉक्सिन, सनलाइट टॉक्सिन को डिग्रेड कर देते हैं, जिससे कि जो स्टेबिलिटी होती है लो हो जाती है. बीटा टॉक्सिन कैन नॉट इफेक्टिवली पेनिट्रेट इनटू वेरियस प्लांट और प्लांट पर्टिकुलरली रूट. बीटा टॉक्सिन के अंदर एक और कमी होती है कि वो रूट के अंदर प्रॉपर तरीके से, इफेक्टिवली तरीके से पेनिट्रेट नहीं कर पाती. और थर्ड ये है कि बीटा टॉक्सिन सबसे ज्यादा कॉस्टिव है, कॉस्टली है. तो बीटा टॉक्सिन को परचेज करने के लिए हाईली कॉस्ट है. तो ये भी एक इसका अनसक्सेस में कंसीडर किया गया है. बीटी बेस्ड साइंटिफिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट. बीटी टॉक्सिन के आधार पर ही प्लांट्स के अंदर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन किया गया. इट हैज बीन पॉसिबल टू जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बाय इंसर्टिंग बीटी जीन एंड प्रोवाइड बेस्ट रेजिस्टेंस टू दोज ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट. जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट में बीटी जीन को इंसर्ट किया गया और अच्छे से अच्छे पेस्ट रेजिस्टेंस को प्रोवाइड किया गया. फॉर एन इफेक्टिव पेस्ट रेजिस्टेंस द बैक्टीरियल जीन इन ट्रांसजेनिक प्लांट मस्ट पॉसेस हैव हाई लेवल एक्सप्रेशन. इफेक्टिव पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए जो बैक्टीरियल जीन होते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट में, वो हाई एक्सप्रेशन लेवल पर रिक्वायर्ड होते हैं. द ऑब्वियसली मीन दैट द ट्रांसजेन ट्रांसक्रिप्शन शुड नॉट अंडर द इफेक्टिव कंट्रोल और प्रमोटर एंड टर्मिनेटर सीक्वेंस. दैट मीन्स जो ट्रांसजेनिक प्लांट का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, वो इफेक्टिव कंट्रोल के अंदर होना चाहिए. कंट्रोल ऑफ प्रमोटर एंड टर्मिनेटर सीक्वेंसेस उन सबके पता होने चाहिए. द अर्ली अटेम्प्ट ऑफ एक्सप्रेस CRY1A, ये CRY1A जीन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, CRY1A एंड CRY3A प्रोटीन अंडर द कंट्रोल ऑफ CAMP35S और एग्रोबैक्टीरियम TDNA प्रोमोटर. CRY1A एंड CRY3A प्रोटीन एक्सप्रेशन शो करती है, कंट्रोल करती है एग्रोबैक्टीरियम TDNA प्रोमोटर को, जिससे
टमेटो एंड पटेटो प्लांट में बहुत कम एक्सप्रेशन होता है. मॉडिफिकेशन ऑफ बीटी क्राई वन ए जीन. मॉडिफिकेशन किस टाइप से काम करता है बीटी क्राई ए वन जीन का, जो कि क्राई वन ए क्राई थ्री ए ये दोनों ही प्रोटीन एग्रोबैक्टीरियम टी डीएनए प्रोमोटर को कंट्रोल करती है, जिससे कि टोबैको टोमेटो पोटेटो प्लांट में लो एक्सप्रेशन होता है. ठीक है, अब अगर मॉडिफिकेशन कर दिया जाए बीटी क्राई वन ए जीन में, द वाइल्ड टाइप ट्रांसजीन बीटी क्राई वन ए जीन, जो वाइल्ड टाइप का ट्रांसजीन है जिसका नाम बीटी क्राई वन ए जीन है, ये फाउंड टू बी एक्सप्रेस वेरी लो लेवल इन ट्रांसजेनिक प्लांट. ट्रांसजेनिक प्लांट में बहुत कम लेवल पर पाया जाता है. द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ दिस जीन वाज मॉडिफाइड. जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जो ये चेंज करता है वो जीसी के कंटेंट को चेंज करता है. कौन सा कंटेंट चेंज करता है? जी प्लस सी कंटेंट को चेंज करता है, ऑल्टर करता है, और ए टी टी ए सीक्वेंस को डिलीट कर देता है. कौन से सीक्वेंस को डिलीट करता है? ए टी टी ए सीक्वेंस को डिलीट करता है, और चेंज कौन से को करता है? जी प्लस सी के कंटेंट को चेंज करता है. एप्रोप्रिएट सीक्वेंसिंग चेंज कर देता है ये जीन, एंड एनॉर्मस तरीके से उसे इंक्रीज कर देता है. दैट मीन्स 100 फोल्ड उसमें बना देता है. ट्रांसजीन बीटी क्रॉप दैट वर फाउंड टू बी प्रोवाइड इफेक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंसेक्ट डैमेज वर गिवन अप्रूवल फॉर कॉमर्शियल प्लांटिंग बाई यूएसए इन मिड 1990. ट्रांसजेनिक बीटी क्रॉप को जो अच्छे से इफेक्ट डालती है उसे यूज किया गया 1990 में, और कॉमर्शियल यूज पे लाई गई है यूएसए में. Some biotechnological companion with their own trade name introduced several transgene crop into the field. Among these only maize and cotton, BT cotton crop are currently in use in USA. The other genetically modified plant met with failure for various reasons. There are some BT based genetically modified crop. देख पा रहे हो आप इसमें कि कॉटन है, कॉटन का जो इधर क्रॉप है, इधर बीटी प्रोटीन का नाम है, और इधर ये रेजिस्टेंसी शो हो रही है कि इंसेक्ट के साथ क्या रेजिस्टेंसी पावर शो करता है. एडवांटेज ट्रांसजेनिक प्लांट की बीटी जीन के साथ, जो बीटी टॉक्सिन जीन है उसके साथ जो ट्रांसजेनिक प्लांट की एडवांटेज है, लाइक दैट बीटी जीन कुड बी एक्सप्रेस्ड इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग रूट इंटरनल रीजन ऑफ द स्टेम एंड फ्रूट. दिस इज नॉट पॉसिबल बाई एनी केमिकल पेस्टिसाइड. जो बीटी जीन होता है वो प्लांट के सभी पार्ट में प्लांट के सभी पार्ट में एक्सप्रेस होता है, इंक्लूडिंग रूट में भी, इंटरनल रीजन में भी, स्टेम में भी, फ्रूट में भी. इसके लिए किसी अदर केमिकल पेस्टिसाइड की रिक्वायरमेंट नहीं होती. टॉक्सिक प्रोटीन आर प्रोड्यूस्ड विद इन द प्लांट, हेंसी दे आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली. टॉक्सिक प्रोटीन जो एनवायरमेंटल इफेक्ट होता है उसके लिए फ्रेंडली होती है. बीटी टॉक्सिन रैपिडली डिग्रेडेटेड इन द एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वो बिहेव करती है, डिग्रेड हो जाती है. लेकिन एडवांटेज के साथ साथ देयर आर सम प्रॉब्लम रिगार्डिंग रेजिस्टेंस टू बीटी क्रॉप. मेजर लिमिटेशन ऑफ बीटी जीन पॉसेसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट इन द डेवलपमेंट ऑफ बीटी रेजिस्टेंस इंसेक्ट. देयर आर मेजर लिमिटेशंस लाइक दैट कि बीटी टॉक्सिन एक प्रोटीन है एंड मेम्ब्रेन रिसेप्टर के थ्रू वो सेल के अंदर जाती है, प्लांट सेल के अंदर जाती है, विच इज टॉक्सिन मीडिएटेड. इट्स एक्शन इज ऑल्सो अ प्रोटीन.
दैट मीन्स बीटी कॉटन भी एक प्रोटीन है, दूसरा जो सेल की मेम्ब्रेन है आउटर सरफेस पर वो भी वहां पे भी प्रोटीन प्रेजेंट है. तो ऐसा हो सकता है कि अप्रोप्रिएट म्यूटेशन वहां पे हो जाए, ठीक है, अप्रोप्रिएट म्यूटेशन इन द इंसेक्ट जीन कोडिंग फॉर रिसेप्टर प्रोटीन मे रिड्यूस द टॉक्सिन बाइंडिंग एंड रेंडर इट इफेक्टिविटी, और उसके इनइफेक्टिविटी पे असर डाल सकता है. दिस मे हैपन विद इन द फ्यू जनरेशन बाई रिपीटेड ग्रोइंग बीटी क्रॉप. अगर ऐसा होता है तो कुछ जनरेशन तक बीटी क्रॉप को कंटिन्यू ग्रो करना चाहिए. देन यूजेस क्या क्या है बीटी कॉटन के. द यूजेस ऑफ बीटी कॉटन इज कॉमर्शियली यूज फॉर ट्रांसजेनिक क्रॉप को बनती है, इसे ये इसका कॉमर्शियल यूज है. विद अ क्राइजीन एग्जाम्पल बीटी कॉटन इन अ सम वे क्राई प्रोटीन और ऑल्सो रेफर टू एज बीटी प्रोटीन. क्राई प्रोटीन को भी बीटी प्रोटीन के नाम से जानते हैं. इट मे ऑल्सो बी स्टेटेड हेयर दैट द ऑथर यूज फोर डिफरेंट नेम फॉर द सेम ग्रुप ऑफ प्रोटीन, एंडोटॉक्सिन, इंसेक्टिसाइडल क्रिस्टल प्रोटीन, क्राई एंड नाउ बीटी कॉटन. सेकेंड है जो इसका एप्लीकेशन है ट्रांसजेनिक जीन का, एबायोटिक स्ट्रेस के लिए रेजिस्टेंसी पावर का शो करना. प्लांट आर कॉन्स्टेंटली बींग सब्जेक्टेड टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस दैट मे रिजल्ट इन द डिक्लेरेशन ऑफ द क्रॉप प्लांट एंड अ वेरी लो और इवन नो यील्ड. ऐसा होता है कि एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से समटाइम फिजिकल स्ट्रेस भी आ जाता है, टॉलरेंसी पावर यानी कि ड्रॉट स्ट्रेस भी आ जाता है जिससे कि प्लांट ग्रो नहीं कर पाता. तो अगर एनवायरमेंटल स्ट्रेस आ रहा है तो वहाँ पे कोई या तो बहुत कम यील्ड होगी या फिर स्टराइल फॉर्म होगी, कोई भी वहाँ पे प्लांटिंग नहीं होगी. तो प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन द इंटरनल मैकेनिज्म फॉर टॉलरेंस ऑफ वेरियस स्ट्रेस. इस केस में क्या होता है कि अगर हम इंटरनली प्लांट को बिहाफ ऑफ टिश्यू कल्चर कोई जीन अगर हम प्रोवाइड करा दें तो टॉलरेंसी पावर जो होती है प्लांट की इंक्रीज हो जाती है. द इन सीटो टॉलरेंस ऑफ क्रॉप प्लांट व्हेन एवर प्रेजेंट इज इनडिक्वेट एंड देयरफॉर कैन नॉट गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्ट्रेस. A wide range of strategies are required to engineer plant against a particular type of stress tolerance. Some of the biotic stress and recombinant strategies develop the overcome them as described. That means ki abiotic stress ke liye kuch plant ko engineering tarike se design kiya jata hai jisse ki unki jo stress tolerance power hoti hai wo increase hoti hai. जैसे बात करते हैं हर्बिसाइड रेजिस्टेंस की, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस है, वीड आर अनवांटेड एंड यूजलेस प्लांट दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप प्लांट. वीड अगर प्लांट के अंदर वीड कुछ प्रेजेंट हो जाते हैं प्लांट्स के साथ साथ जब हम प्लांटिंग करते हैं फील्ड के अंदर, तो वहां पे जो बाहर के अनडिजायरेबल क्रॉप्स होती है वो भी आके ऐड हो जाती है. तो उन सबको हटाने के लिए लाइक दैट आपका ये बथुआ है, ये भी अनवांटेड क्रॉप में काउंट किया जाता है, और जो जितने भी बीड्स होती हैं लाइक दैट गाजर घास है वो भी अनवांटेड क्रॉप में काउंट होती है. तो इन जैसे नॉर्मल घास भी हो जाती है वो भी अनवांटेड क्रॉप में काउंट होती है. जो कोई भी हम क्रॉप लगा रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ और अनडिजायरेबल अनवांटेड क्रॉप आ जाए तो उसे हटाना है, ठीक है. तो वीड जो कि वाइल्ड हर्ब्स होते हैं अनवांटेड होते हैं, यूजलेस होते हैं, जो प्लांट के साथ समटाइम ग्रो करते हैं. वीड कम्पीट विद ट्रैप फॉर लाइट एंड न्यूट्रेंट बिसाइड हर्बीवोरिंग वेरियस पैथोजन. इट एस्टिमेट दैट द वर्ड क्रॉप यील्ड इज रिड्यूस्ड बाय 10-15 ड्यू टू प्रेजेंसी ऑफ वीड. वीड की प्रेजेंसी की वजह से जो किसी भी क्रॉप ये अगर इकोनॉमिकली रिक्वायरमेंट देखें तो वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है. टू टेकल द प्रॉब्लम ऑफ वीड मॉडर्न एग्रीकल्चर हैज डेवलप अ वाइड रेंज ऑफ वीड किलर विच इज कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज हर्बिसाइड. तो इन सब को चेंज करने के लिए एग्रीकल्चर ने एक अच्छे से लेवल पर हर्बिसाइड को तैयार किया है. हर्बिसाइड क्या काम करता है, जो हर्बिसाइड जो अनवांटेड अनडिजायरेबल क्रॉप होती है उसे
किल करने में हेल्प करता है। जो बाकी के जो और भी इंसेक्टिस जो हर्बिसाइड्स होते हैं, इन जनरली मेजोरिटी ऑफ द हर्बिसाइड आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एज देन किल द वाइड रेंज ऑफ वीड, जो वीड को किल करने का काम करते हैं। हर्बिसाइड्स के जो मेन करेक्टर्स हैं वो क्या क्या होने चाहिए? कैपेबल ऑफ किलिंग वीड विदाउट इफेक्टिंग क्रॉप प्लांट, कि वो क्रॉप प्लांट को तो इफेक्ट ना करे लेकिन वो वीड्स को किल कर दे। टॉक्सिक नहीं होना चाहिए एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, कि कभी एनिमल खाए और मर जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी खाए और मर जाए जो कि प्लांट के लिए यूजफुल है। रैपिडली ट्रांसलोकेटेड विद इन द टारगेट प्लांट, टारगेट प्लांट सेल में तेजी से ट्रांसफर होना चाहिए, रैपिडली डिग्रेडेटेड हो जाना चाहिए फिर सॉइल के साथ वो। None of the commercial available herbicide fulfill all the above criteria. The major limitation of herbicide is that they cannot discriminate weed from crop plant. मतलब वो वहां से उन्हें हटा नहीं सकते। For this reason, the crop are also affected by herbicide. क्योंकि crop भी herbicide से affect होती है, ये main reason है। Hence the need to develop herbicide resistant plant. Thus these plant provide an opportunity to effectively kill the weed. इसलिए weed को kill करने के लिए without damaging of crop plant कुछ techniques होती हैं जो जिसके थ्रू crop plant बचे हुए रहते हैं और जो herbicides होते हैं वो kill हो जाते हैं। क्या क्या strategy है engineering की herbicide resistance के लिए? Like that, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन, अ नंबर ऑफ बायोलॉजिकल मैनिपुलेशन पर्टिकुलरली इन्वॉल्विंग जेनेटिक इंजीनियरिंग आर इन यूज टू डेवलप हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट। ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन, टारगेट प्रोटीन बीइंग एक्टेड बाय द हर्बिसाइड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द लार्ज क्वांटिटीज सो दैट द इफेक्ट ऑफ द हर्बिसाइड बिकम इनसिग्निफिकेंट। टारगेट प्रोटीन का जो वर्क होता है वो हर्बिसाइड के थ्रू एक्टिवेटेड होती है और लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है। ओवर एक्सप्रेशन कैन बी अचीव्ड बाय इंटीग्रेटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन एंड बाय यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर। सेकेंड है इम्प्रूव्ड प्लांट डिटॉक्सिफिकेशन। अगर प्लांट का डिटॉक्सिफिकेशन हम इंक्रीज कर दें प्लांट के अंदर तो उसके थ्रू भी हर्बिसाइड्स जो वीड वगैरह होंगे वो उन्हें रिड्यूस होने में हेल्प मिलती है। प्लांट टू पॉसेस नेचुरल डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट टॉक्सिक कंपाउंड, डिटॉक्सिफिकेशन इन्वॉल्व कंजर्वेशन ऑफ टॉक्सिक हर्बिसाइड टू नॉन टॉक्सिक और लेस टॉक्सिक कंपाउंड। बाई एनहांसिंग द प्लांट डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम द इम्पैक्ट ऑफ द हर्बिसाइड कैन बी रिड्यूस्ड। अगर डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम को हम इंक्रीज कर दें तो हर्बिसाइड का जो इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड बाई यूजिंग ऑफ फॉरिजन जीएनए जीन। डिटॉक्सिफिकेशन किस चीज से होता है? जो फॉरनर जीन होता है उसके यूज से होता है। बाय इंट्रोड्यूसिंग अ फॉरिजन जीन इनटू द क्रॉप प्लांट द हर्बिसाइड कैन बी इफेक्टिवली डिटॉक्सिफाइड। देन म्यूटेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन, अगर टारगेट प्रोटीन का म्यूटेशन हो जाए द टारगेट प्रोटीन विच इज बीइंग अफेक्टेड बाय हर्बिसाइड, टारगेट प्रोटीन जो हर्बिसाइड के थ्रू अफेक्टेड है कैन बी सुटेबल मॉडिफाइड, उसे आसानी से मॉडिफाइड कर सकते हैं। द चेंज्ड प्रोटीन शुड बी कैपेबल ऑफ डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ द नेटिव प्रोटीन बट इज रेजिस्टेंस टू इनिबिशन बाय द हर्बिसाइड। जो रेजिस्टेंट टारगेट प्रोटीन होती हैं वो आइडेंटिफाइड होनी चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए, उन्हें प्लांट जीनोम के लिए इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट को इजीली हम डेवलप कर सकते हैं। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट का डेवलपमेंट करने के लिए अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए टारगेट प्रोटीन के लिए। इसके लिए हर्बिसाइड का एक्शन के पता, उस हर्बिसाइड के वर्क का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे हर्बिसाइड है
ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस, सॉरी ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस, ग्लाइफोसेट इज अ ग्लाइसिन डेरिवेटिव, ये ग्लाइसिन का डेरिवेटिव है ग्लाइफोसेट, इज एक्ट एज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड की तरह यूज होता है और अप्रोक्सीमेटली 76 ऑफ द वर्ल्ड 78 वीड को ये इफेक्ट करता है. Glyphosate is a less toxic to animal and is rapidly degraded by microorganism. Glyphosate animal के लिए बहुत कम toxic होता है और microorganism में तेजी से degraded हो जाता है. Starting में क्या था कि is a short half life, इसके ये अपनी life बहुत short show करता था, लेकिन American chemical companies ने इसे राउंड अप किया, इसे चेंज किया, इसके अंदर मॉडिफिकेशन किए, तो ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस आज के डेट में ज्यादा यूजफुल है. अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है ग्लाइफोसेट का? ग्लाइफोसेट इज अ रैपिडली ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ प्लांट, दिस कैपेबल ऑफ किलिंग द प्लांट इवन अ लो कंसेंट्रेशन. इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये लो कंसेंट्रेशन पर भी प्लांट की डेथ कर सकता है. ग्लाइफोसेट एक्ट एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम 5-enylpyroxysteamate-3-phosphate synthetase EPSPS. EPSPS enzymes के लिए जो एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करता है ग्लाइफोसेट काम करता है. ये की एंजाइम है सिकेमिक एसिड पाथवे का. EPSPS इज द की एंजाइम ऑफ सिकेमिक एसिड पाथवे जिससे एरोमिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, एरोमेटिक अमीनो एसिड के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. ट्रिप्टोफैन, फेनाइल एलालिन एंड ट्रायोसिन, फिनॉल एंड सर्टेन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का भी सिंथेसिस होता है. सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या ग्लाइफोसेट में क्या है? बेसिकली ये प्लांट को के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है. और ट्रांसपोर्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि वो लो कंसंट्रेशन पर भी वीड प्लांट को किल कर सकता है. ग्लाइकोफोसेट कंपिटिटिव इनहिबिटर के लिए के जैसे काम करता है. कौन से एंजाइम के लिए काम करता है? 5-enylpyroxysteamate-3-phosphate synthetase जो कि सिकेमिक एसिड के लिए एक की एंजाइम, सिकेमिक एसिड पाथवे के लिए एज अ की एंजाइम वर्क करता है. सिकेमिक एसिड पाथवे में फॉर्मेशन होता है एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स का. एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं लाइक दैट ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एनालिन एंड टायरोसिन. फिनॉल्स एंड सर्टेन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं. In this pathway, sikimic 3-phosphate, phosphoenolpyruvate, phosphoenolpyruvate, sikimic 3-phosphate and phosphoenolpyruvate, यानी कि ESPS synthetase enzyme ने काम किया. 3-enylpyro will sikimic acid, 3-phosphate. Then coricimate, यहाँ से tryptophan का generation हुआ, phenylalanine का हुआ एंड नेप्थेलोक्यूरिन का हुआ. ट्रिप्टोफैन से क्या बनता है? IAA. ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव्स किसका है? IAA का, इंडोल 3 एसिडिक एसिड एंड इंडोल एल्कलाइड. और फिनाइल एनालिन से टायरोसिन एंड फिनॉल एंड फ्लेविनोइड्स. एंजाइम EPSPS कैटलाइज द सिंथेसिस ऑफ 5-enylpyroxysteamate-3-phosphate from sikimate-3-phosphate and phosphopyruvate. ये यही वाली इसी फिगर का के बारे में बताया गया है
कि जब सिकेमिक 3 फॉस्फेट फॉस्फेनॉल पाइरोवेट जब एक साथ आते हैं तो ग्लाइफोसेट की प्रेजेंस में ये पूरा प्रोसेस होता है। ग्लाइफोसेट नॉन टॉक्सिक होता है एनिमल के लिए, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ये टॉक्सिक होता है और ये वीड प्लांट की डेथ कर सकता है। जो 3 अमीनो एसिड्स बने थे इस पाथवे में, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल, एनालिन, उसमें से एसेंशियल होते हैं डाइट के लिए। टायरोसिन फिनाइल एनालिन का फॉर्मेशन करता है। अब ये किस तरीके से काम करता है, स्ट्रेटेजी क्या होती है ग्लाइफोसेट के रेजिस्टेंस की, 3 अलग अलग स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले ओवर एक्सप्रेशन ऑफ क्रॉप प्लांट EPSPS जीन, EPSPS एंजाइम से EPSPS जीन बना, तो ओवर एक्सप्रेशन होता है क्रॉप प्लांट पर EPSPS जीन का। ये डिटेक्ट किया गया ट्यूनिया में। This expression was found to be due to gene amplification rather than an increased expression of the gene. EPSPS gene from petunia was isolated and introduced in other plant. Petunia plant से isolate किया गया और दूसरे plant में इसे introduce किया गया। ये synthesis करता है EPSPS का। ये प्लांट ग्लाइकोफोसेट को 2-3 टाइम हायर लेवल पर टॉलरेट कर सकता है। सेकेंड है यूज ऑफ म्यूटेंट APSPS जीन। जो APSPS म्यूटेंट जीन होते हैं वो ग्लाइकोफोसेट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं। ये APSPS जीन रेजिस्टेंसी प्रोवाइड कराता है, रेजिस्टेंसी प्रोवाइड करा के जो एबायोटिक स्ट्रेस होता है उसे कम करता है, दैट मींस वाइल्ड स्पीसीज को किल करने का काम करता है। APSPS जीन का जो म्यूटेंट है उसे टोबैको प्लांट में इंट्रोड्यूस किया गया है, आर्टिफिशियली टोबैको प्लांट में इंट्रोड्यूस किया गया है और एग्रोबैक्टीरियम TI प्लाज्मिक वेक्टर को यूज करके इंट्रोड्यूस किया गया है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स में SPSPS एंजाइम का हाई क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है। लेकिन जो टोबैको का ट्रांसफॉर्मेशन है वो ग्लाइकोफोसेट के लिए रेजिस्टेंसी शो करता है। इसका रीजन अभी इस चीज के लिए क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन जो सिकेमिक पाथवे है, सिकेमिक पाथवे में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट में सिकेमिक पाथवे रन होता है, क्लोरोप्लास्ट में जब सिकेमिक पाथवे रन होता है लेकिन जो ग्लाइकोफोसेट है वो रेजिस्टेंट होता है EPSPS के, वाज प्रोड्यूस्ड ओनली इन द साइटोप्लाज्म, दैट इज द मेन रीजन। जो रीजन है कि जो टोबैको का ट्रांसफॉर्मेशन है, टोबैको का ट्रांसफॉर्मेशन ग्लाइकोफोसेट के लिए रेजिस्टेंसी शो करता है। पहले इसका आंसर क्लियर नहीं था कि क्यों शो करता है, लेकिन जो बाद में देखा कि जो सिकेमिक पाथवे है, सिकेमिक पाथवे ग्लाइकोफोसेट बना रहे हैं, जो कि सिकेमिक पाथवे है जो एंजाइम बना रहे हैं, एंजाइम कौन सा बना रहा था, EPSPS।
सिकिमिक पाथवे क्लोरोप्लास्ट में होता है, लेकिन जो ग्लाइकोफोसेट रेजिस्टेंस ESPS है वो साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस होता है। इसीलिए यही एक रीजन है कि टोबैको ग्लाइकोफोसेट के लिए रेजिस्टेंस ही शो करता है। द एंजाइम वर नॉट ट्रांसपोर्टेड टू द क्लोरोप्लास्ट, हेंस द प्रॉब्लम टू प्रोवाइड रेजिस्टेंसी। एंजाइम क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसफर नहीं हो सकते, इसीलिए रेजिस्टेंसी शो करते हैं। द साइंटिफिक साइंटिस्ट टू रियलाइज दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। द म्यूटेंट APSPS जीन वाज टैग्ड विद अ क्लोरोप्लास्ट स्पेसिफिक ट्रांजीन पेप्टाइड सीक्वेंस। बाय दिस अप्रोच द ग्लाइकोफोसेट रेजिस्टेंस directly to freely enter chloroplast and confer resistance against the herbicide. Third है detoxification of glycophosate. Soil microorganism possesses the enzyme glycophosate oxidase that convert glycophosate to glyoxylate and aminomethyl phosphonic acid. सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ग्लाइकोफोसेट एंजाइम को के साथ प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होते हैं, तो वो ग्लाइकोफोसेट को ग्लाइऑक्सिलेट एंड अमीनो मिथाइल फॉस्फोनिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। जीन एनकोडिंग ग्लाइकोफोसेट ऑक्सीडेज हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम सॉइल ऑर्गेनिज्म। सॉइल ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया गया। With suitable modification, this gene was introduced into crop plant, example oilseed rape. The transgenic plant were found to be exhibit very good glycophosate resistance in the field. Separate strategy के बाद इसकी combined strategy भी use हुई, जो most effective resistance plant है against glycophosate can be provided by employing combined strategy. ASPS gene in combination with glycophosphate oxidase gene are used. By this approach, there occur glycophosphate resistance as well as in detoxification resistance. Third application is improvement crop yield and quality. Crop yield and quality को improve करने के लिए जो plant genetic engineering that means plant tissue culture के बिहाफ पर crop yield को improve करते हैं, quality को improve करते हैं। जो crop yield होती है वो सबसे पहले photosynthetic efficiency के ऊपर depend करती है। photosynthetic का वे कैसा है, किस type से उसे sunlight मिल रही है, sunlight कितनी मिल रही है। photosynthetic efficiency के बाद उसका harvest index कैसा है, that means dry matter allocated to the harvest part of the crop. जो क्वालिटी होती है क्रॉप की वो उसके डिपेंड करती है डिजायरेबल करेक्टर्स के ऊपर। दैट मीन्स कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, अगर हमें क्वालिटी चाहिए, वॉट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का क्या मीनिंग है। क्वालिटी का मीनिंग तो यही होगा ना कि वो उसके अंदर कौन कौन से डिजायरेबल करेक्टर्स प्रेजेंट है। अब डिजायरेबल करेक्टर्स कौन कौन से हैं, लाइक दैट न्यूट्रिशनल कंपोजिशन ऑफ एडिबल प्लांट, फ्लेवर, फ्लेवर उसका स्मेल कैसा है, क्वालिटी कैसा है, उसकी लाइफ कैसी है, आगे टॉलरेंसी पावर इंक्रीज होगी नहीं होगी। देन ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन लेड बाय बॉर्लिंग, स्वामीनाथन एंड खुश enabled the world food supply to triplet during the last three decades of 20th century. It was made possible by adapting genetically improved varieties of crop, coupled with advance in crop management. Green revolution में क्या, green revolution किस चीज के लिए जरूरी होता है, क्या है green revolution? इसमें स्वामीनाथन और खुश ने ये देखा था कि मतलब that means edible जो plant होते हैं उनका supply करना है,
ठीक है, एडेबल प्लांट को जेनेटिकली इम्प्रूव करके क्रॉप मैनेजमेंट के बिहाफ पे उनका सप्लाई करना है, और सो ग्रीन रिवोल्यूशन में हाई यील्डिंग वेराइटीज जैसे वीट एंड राइस हैज अनेबल्ड सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज टू मूव फ्रॉम पोजिशन ऑफ फूड स्कारसिटी टू बिकम नेट एक्सपोर्टर टू दीज सीरियल्स. जो वेल डेवलप कंट्री है, वेल डेवलप कंट्रीज में जो वीट और राइस अच्छे से ग्रो अप है, उसे जो आसपास की जो कंट्रीज है जहाँ पे ये सारी चीजें नहीं ढंग से हो पा रही है, तो इन सबका एक्सप्लोरर करना. ठीक है, द ग्रीन रेवोल्यूशन बिकम अ रियलिटी टू द फार्मर adapted to new cereal seed. Green revolution में अगर green revolution को एक तरीके से ऐसे देखा जाए कि new adaptation of the foods food process या food material. तो न्यू adaptation किस चीज से, न्यू adaptation किसने किया, लाइक दैट ये इसमें रियलिटी आती है फार्मर की. फार्मर adapted टू न्यू cereal सीड beside employing हाई input method ऑफ एग्रीकल्चर. जो एग्रीकल्चर के भी यहाँ पे सीड्स तैयार किए जाते हैं इंस्टीट्यूट में, उनका फार्मर तक पहुंचाना और उसे फार्मर को अडेप्ट करना कि हाँ ये सीड ऐसा है और ये अडेप्टेशन में आ गया. यूज टू नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हर्बिसाइड पेस्टिसाइड मॉडर्न इक्विपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एटसेट्रा. देन नेक्स्ट है सेलेक्टेड एग्जांपल ऑफ क्रॉप फॉर क्वालिटी एंड यील्ड. There are wide range of crop that have been manipulated by scientists to improve yield and quality. Only selected example like that genetic engineering for extend shelf life of fruit. फ्रूट की लाइफ को जो कवरिंग लाइफ होती है उसकी, जो सेल्फ लाइफ होती है उसे एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक मैनिपुलेशन के थ्रू फ्रूट की राइपनिंग करना, फ्रूट की लाइफ को इंक्रीज करना कॉमर्शियल पर्पस के लिए प्लांट इंजीनियरिंग के बिहाफ पे जरूरी होता है. फ्रूट राइपनिंग की एडवांटेज जैसे कि टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ, कीपिंग द क्वालिटी ऑफ फ्रूट इंटैक्ट. जो कंप्लीट फ्रूट होगा उसकी क्वालिटी को बनाए रखना होता है. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बिकम इजी विदाउट डैमेज ऑफ द फ्रूट. बिना फ्रूट को डैमेज करे एक जगह से दूसरे लॉन्ग स्थान पर आप इजीली लेके जा सकते हो. अगर स्लो राइपनिंग होगी तो फ्लावर और उससे ज्यादा इंक्रीज होगा. जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्क हैज बीन एक्सटेंसिवली कैरिड आउट इन जैसे टोमेटोज एंड सम ऑफ द डेवलपमेंट आर डिस्क्राइब्ड. बायोकेमिकल चेंजेस ड्यूरिंग टोमेटो राइपनिंग. बायोकेमिकल चेंजेस जो टोमेटो राइपनिंग के थ्रू आते हैं. फ्रूट राइपनिंग इज अ एक्टिव प्रोसेस. इट इज करेक्टराइज्ड बाय इंक्रीजिंग रिस्पिरेशन एकम्पेन्ड बाय अ रैपिड इंक्रीज इन इथाइलिन सिंथेसिस. इथाइलिन सिंथेसिस जब इंक्रीज होता है तो जो राइपनिंग रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाता है. As the chlorophyll get degraded, the green color of the fruit disappear. जैसे ही chlorophyll disappear होना शुरू होता है तो fruit का जो green color है वो disappear होना start हो जाएगा और red pigment color आ जाता है और lycopene synthesized हो जाते हैं. ये graph है एक biochemical changes का. इधर क्वालिटी एक्टिविटी है एक साइड, दूसरी साइड डेज है. स्टार्च दिया, स्टार्च की क्वालिटीज 10 के बाद कम हो गई. देन क्लोरोफिल यहाँ पे ज्यादा है. इथाइलिन देने पर जैसे 20 डेज होंगे तो ये क्लोरोफिल, जहाँ आपको ऊपर क्लोरोफिल दिखाई दे रहा है नीचे इथाइलिन देने पर वो लाइकोपीन में कन्वर्ट हो जाएगा. और जैसे ही रेड कलर के पिगमेंट में कन्वर्ट होता है फ्रूट सॉफ्ट हो जाते हैं, जैसे सेल वॉल डिग्रेडेड हो जाती है. पीजी एंजाइम यानी कि पॉली ग्लैक्टुरिनेज एंजाइम, पेक्टिन मिथाइलेज एंजाइम का डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाता है.
फाइटोक्रोम इथाइलीन फ्रूट राइपनिंग में काम करते हैं, एक्सोजीनस इथाइलीन फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं, जब स्टार्च का शुगर में ब्रेक डाउन होता है और लार्ज नंबर पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इंप्रूव होते हैं तो फ्लेवर टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द फ्रूट आल्सो विल बी इंप्रूव एंड इंक्रीज। टमेटो राइपनिंग के लिए कुछ जीन इन्वॉल्व होते हैं, जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट अगर राइपनिंग होगा तो जेनेटिक मैनिपुलेशन भी वहां पे चेंजेस आने नेसेसरी हैं। ऑलमोस्ट आरएनए का चेंजेस होना होता है, पॉलीग्लैक्टुरोनेज एंजाइम चेंज होता है जो फ्लेवर प्रोवाइड कराता है, आप इस स्लाइड में देखो टोमेटो प्लांट है, डीएनए स्टार्टेड पीसेस इन नॉर्मल एमआरएनए एमआरएनए के थ्रू, देन पॉलीग्लेक्टुरोनिक से फ्रूट राइपनिंग हुई, जैसे ही फ्रूट राइपनिंग होगी तो एमआरएनए न्यूट्रलाइज फॉर्म में आ जाएगा, नो पॉलीग्लेक्टुरोन प्रोड्यूस नो फ्रूट राइपनिंग। अगर फ्रूट राइपनिंग नॉर्मल एमआरएनए से सीधा अगर हम प्लांट ट्रांसजेनिक टोमेटो प्लांट बनाते हैं, नॉर्मल टोमेटो प्लांट से डीएनए हमने एक्सट्रैक्ट किया, डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उसका नॉर्मल सेंस में हमने एमआरएनए निकाला, देन पॉलीग्लेक्टुरोनिक पीसेस जीन को के थ्रू फ्रूट की राइपनिंग होगी। अगर हाइब्रिडाइजेशन हमें करना है तो नॉर्मल एमआरएनए से हाइब्रिड करेंगे, और हाइब्रिड जब करेंगे तो ट्रांसजेनिक प्लांट के साथ, जो हमारा ट्रांसजेनिक प्लांट बना है जीन ट्रांसफर करके उसके साथ हम तैयार करेंगे। डीएनए के साथ डायरेक्ट वेक्टर बैक्टीरियम के बिहाफ पे भी जीन ट्रांसफर हम कर सकते हैं।